हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक लेसन करेंगे हाउ टू प्ले बार कॉर्ड्स इजिली। गारंटीड 100% अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपको कहीं पे भी बार कॉर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 100% वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। ये गिटार है टैंगलवुड का, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में। सीधे शुरू करते हैं विदाउट एनी कोई और किसी बात के। तो सपोज अभी आप बिगिनर हैं तो इसमें जो ट्रिक्स रहेंगी, ट्रिक्स का नंबर आगे पीछे हो सकता है कि क्या पता आपको कौन सी ट्रिक हेल्पफुल रहे, आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई ना कोई पक्का होगी जिसमें से आपको मदद मिलेगी। तो फर्स्ट जो चीज़ है, सपोज जैसे जो आपकी रातों की नींद जिसने उड़ाई होगी वो है एफ मेजर कॉर्ड। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉर्ड है स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर आप बार कॉर्ड शुरू कर रहे हैं या एंड में आगे जाके भी, तो इसमें चांसेस है कि आपने जोर भी लगाया हुआ है, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी ऐसे इस टाइप की साउंड आ रही है और जो बिल्कुल सही नहीं है। तो बार कॉर्ड्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लेते हैं ऐसे, एफ हर गाने में होता ही है, ए माइनर के साथ एफ या जी ऐसे करके, और इसको हम फिर हम ऐसे अल्टरनेट लेने की कोशिश करते हैं इसके सिंपल। लेकिन आपने क्या करना है, पहली जो ट्रिक है वो क्या है कि हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। ट्रिक नंबर वन, अगर आप बार कॉर्ड्स अभी बार कॉर्ड्स में घुसे हैं तो ट्राई करें, बिगनर है तो यहाँ से स्टार्ट ना करें। ठीक है, इस साइड मूव कर जाएं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा आसानी होती है, यहाँ पे जो हमारा जो एक्शन है वो भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टफ होता है उसको होल्ड करना। तो आप यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी शेप्स। ठीक है, जैसे ये ए माइनर वाली शेप्स हैं, ओके, जैसे अब ये ए माइनर है, इसको ऐसे पकड़ूँ तो ये ऐसे 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 माइनर वाली शेप्स हैं, या ये माइनर वाली शेप्स हैं, जैसे ई माइनर है। अभी शेप्स में नहीं घुसेंगे, ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर इसको ऐसे पकड़ लें तो ये भी माइनर वाली शेप्स हैं। तो आप यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ट्रिक क्या है, रैदर देन स्टार्ट करना यहाँ से, आप यहाँ से स्टार्ट करें। शेप्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये है बी माइनर, ए मेजर एंड जी मेजर। ठीक है, तो इस पैटर्न के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, छोटा मोटा आपने हाथ मारा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, नहीं क्लियर है, इसकी अगली ट्रिक में आपको बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो पहली यही रहेगी, यहाँ से स्टार्ट ना करें। अगर आप अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करें बार कॉर्ड्स की, यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ये वाली शेप्स भी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आप पहले इसी से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, जैसे ये, यहीं से आप चले जाएंगे, बी माइनर है ये, ऐसे करना बस तो ए मेजर हो जाएगी, ऐसे करना जी मेजर तो ऐसे ए मेजर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी नंबर ट्रिक, पहली यही होगी सिंपल कि यहाँ से ना करें, यहाँ से करें। अब भाई करनी कैसे है, आपने तो बड़ी जल्दी बता दी, यहाँ से बी माइनर पे भी पहुँच गए, हमें तो अभी पकड़ना ही नहीं आता, उंगली रखना तक नहीं आती, उंगली की ऐसे आवाज़ आ रही है, पकड़ेंगे कैसे। तो दूसरी नंबर ट्रिक यही है कि ये उंगली भाई, ये जो बार कॉर्ड है ये कैसे करनी है, चाहे फिफ्थ स्ट्रिंग वाली बार कॉर्ड होती हैं, जैसे ये सी शार्प माइनर है, इसको हम यहीं तक फिफ्थ से मारते हैं, फाइव स्ट्रिंग बार है, या ये वाली जो हम करें, ये छः छः की छः इसमें हमने बार करनी होती है ये, या फिर सिंपल कई बारी हम मिनी बार्स भी करते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, हम ऐसे भी जी मारते हैं ना, इसमें हमने ये दो पकड़ी है, पहली दो। तो ये करनी कैसे है, ये बार ही कैसे करनी है, हमें तो यही नहीं आती, इतनी आगे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, आप पहले थोड़ा सा मतलब अगर आप चाहें, एक एक्सरसाइज है, अगर आप चाहें इसको कर सकते हैं, नहीं तो आगे बताता हूँ। आप सिंपल ऐसे फिंगर रख के भी देख सकते हैं कि यार बार चीज़ क्या है, लेकिन यहीं पे ट्राई करना। ठीक है, यहाँ नहीं करना, यहाँ मुश्किल हो जाएगी, यहीं पे जैसे बी माइनर आपको वाली बताई है साथ में फ्रेट पे, ठीक है, ऐसे करके रखना, देखना कि आपसे बार हो रही है नहीं, ऐसे जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि ऐसे जोर लगाना, इसमें अंगूठे की गेम भी है, ये जो अंगूठा है ना पीछे, ये भी एक सर्टन एंगल, एक सर्टन उस पर रखना है, एल्बो की भी गेम है। जैसे अगर हम ओपन कॉर्ड्स लगाएं, कैसे लगाते हैं, ऐसे एल्बो दूर है, अभी देखो ध्यान से, लेकिन जैसे ही हम बार करते हैं तो हमारी एल्बो बॉडी के क्लोज आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले ये देख लो। ठीक है, जैसे ये ऐसे करके आप रख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, चाहे तो इस मिडल फिंगर की भी मदद ले लो जोर लगाने के लिए, ऐसे करके देख लो कि हाँ यार इतनी स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक है, बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है कि ऐसे आपने रखी है, ऐसे वो नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जो उंगली हमने ऐसे आपको दिख रही है वीडियो में, लगता है ऐसे कि यार सीधी रखी हुई है, सीधी नहीं रखी है। ठीक है, एक तो आपने जब जो भी आप पकड़ रहे हो, चाहे आप ऐसे नोट पकड़ रहे हो, ये ऐसे पकड़ रहे हो, ये ऐसे पकड़ रहे हो, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो पोल है, ये जो फ्रेट पोल्स हैं, ये डंडे आपको दिख रहे हैं, ये डंडे हमेशा इनके इधर रखने हैं, डंडे के बिल्कुल पीछे,
ठीक है। तो अब बार भी कर रहे हैं तो हमने ये ध्यान देना है डंडे के पीछे, अब सीधी नहीं रख देनी ऐसे, थोड़ी सी ऐसे रखनी है, ठीक है, ऐसे, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसकी मदद लेंगे हम, ऐसे नहीं रख देंगे, ठीक है, सीधी सीधी नहीं रख देंगे, थोड़ी सी इसको हम जैसे ये ऐसे करेंगे इस टाइप, ठीक है, ऐसे। अब वो वीडियो में दिखती नहीं है लेकिन हम उसको इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे, तभी कह रहा हूँ ऐसे करके आप देख लेना, और फिर देखना जो आप ऐसे ऐसे रख रहे थे ऐसे रखने से कितनी आसानी होगी। तो बस ऐसे आपने रख दी, तो ये वाली दो उंगलियां भी रख लेना ऐसे, पहले चाहे थोड़ी उल्टी पुल्टी ऐसे आपका जो कोन बन रहा है जो ऐसे ऐसे करके उल्टा पुल्टा ही बने, कोई बात नहीं, आपको पता लगना चाहिए कैसे रखनी है, आगे जाके वो खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगा। फिर जैसे ही पीछे आए तो ऐसे रख लें उसको, ठीक है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाली जो चीज़ है इसका हम यूज़ में लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं रख देते हम, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे टेढ़ी रख देनी है ऐसे करके, ऐसे नहीं है, और ये भी नहीं है कि ऐसे सीधी है, तो एक मिक्स है उसका, थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी टिल्ट कर देते हैं हम ऐसे करके, ठीक है, और जब यहाँ जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा क्या बात हो रही है ऐसे करके, और ऐसे खुद ब खुद आप एक्सप्लोर करते जाओगे। तो दूसरी ट्रिक यही थी कि फिंगर ऐसे नहीं रख देनी है, फिर आप जोर लगाओ जो मर्जी लगाओ उसमें चांसेस हैं, और यहाँ भी आपको बड़ी दर्द होगी, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे करके और ऐसे, और शेप वही प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ ही आप, बी माइनर, ए मेजर एंड जी मेजर। तो पहली ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करें, दूसरी ट्रिक फिंगर सीधी नहीं रखनी, थोड़ी सी टिल्टेड रखनी है, ठीक है, एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके रख के अपनी। तो नाउ गाइज हम अपनी थर्ड ट्रिक करेंगे, ठीक है, आपको ये भी पता चल गया स्टार्ट कहाँ से करना है, अपनी उंगली कैसे रखनी है। नाउ जो ट्रिक है वो ये है कि हमने पीछे यार जोर कहाँ से लग रहा है, रिस्ट क्या है इसमें, मतलब शेप कैसे रखनी है, मेरे को दर्द क्यों हो रही है। आप जैसे हम ओपन गॉड्स लगाते हैं ना, एल्बो देखो, एल्बो हमारी थोड़ी सी बॉडी से दूर रहती है, जैसे जी मेजर लगा रहे हैं, और अंगूठा भी देखो जनरली हमारा खुद ही मतलब ऐसे ऊपर आ जाएगा, डी लगाएंगे तो इस टाइप से आ जाता है, ए माइनर लगाएंगे तो अंगूठा ऐसे बीच की तरफ आ जाता है, ऐसे नहीं होगा आप ए माइनर लगा रहे हो तो ऐसे अंगूठा रखा आपने या ऐसे रखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऐसे आ जाएगा, एल्बो भी देखो। लेकिन जैसे ही हम बार कॉर्ड लगाएंगे ना, जैसे एफ लगाएंगे, तो अपने आप हमारी एल्बो ऐसे से ऐसे हो जाती है, ठीक है, जो ऐसे या ओपन कॉर्ड में वो ऐसे से ऐसे हो जाती है, पास आ जाती है, ठीक है, और ये नीचे पीछे अंगूठा चले जाता है हमारा, आई होप आपको दिख रहा ऊपर वाले व्यू से, ठीक है, अंगूठा हमारा ऐसे पीछे चले जाता है, और साइमल्टेनियसली अब हम इंडेक्स से बार कर रहे हैं, आगे से जोर लगा रहे हैं, और अंगूठे से ऐसे पीछे से जोर लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला इधर से भी जोर लग रहा है हमारा, और ये पाम वाला यहाँ से भी हमारा जोर लग रहा है, ठीक है, और एक एक ऐसे नीचे हमारा जैसे ये क्लोज है जब हम ओपन लगा रहे हैं, पाम ऐसे टच और मतलब ऐसे टच कर रहा है थोड़ा थोड़ा इसके साथ अंगूठा, ये पूरा ऐसे टच कर रहा है हमारा डी में, जैसे पाम हमारा अभी टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम बार कॉर्ड लगाएंगे तो ये सब ऐसे दूर हो जाएगा और बीच में एक गैप बनेगा, ठीक है, कौन सा गैप बताता हूँ आपको, पीछे गमला गिर गया, ये वाला गैप, ये गैप, ठीक है, जैसे ही हम बार कॉर्ड लगाएंगे तो ये हमारा एक गैप बनेगा, जैसे एफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक गैप बनेगा। अब अंगूठा ऐसे नहीं है, ऐसे रखना आपने, ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है इस टाइप से, मैं बताता हूँ प्रॉपर आपको, ओके, तो ये शेप हमारी कैसे है, ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से है, ऐसे ये वाली चीज और ये वाली चीज ऐसे आप बोल सकते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन ऐसे नहीं है कि अंगूठा सीधा हमारा पूरा ऐसे करके 90 डिग्री पे, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, ऐसे हम जैसे कोई ऐसे चीज़ पकड़ रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे क्लिप सा पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसे करके एंड ऐसे ही इसको हम फिर ऐसे पीछे लगा दे रहे हैं, एंड जोर हमारा इंडेक्स से भी लग रहा है एंड उधर भी लग रहा है, इवेंचुअली जैसे जैसे हम आगे ऐसे मूव करते जाएंगे इस टाइप से ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो अपने आप आपका सेट होता रहेगा। ये नहीं है कि अब आपने बिल्कुल ऐसे रखना है इस साइड या ऐसे बीच में रखना अंगूठा, नहीं, पीछे रखना आपने ऐसे, एंड सपोज करते हैं मैं आपको एक और व्यू बता देता हूँ, ओके, तो ये पीछे से व्यू है, ठीक है, ऐसे हम रख रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर हम आगे मूव करते जाएंगे तो अंगूठा भी हमारा ऐसे आता रहेगा। सपोज यहाँ पे कोई ऐसे मिडल लाइन, अगर ऐसे पूरी हमारी ये नेक है ऐसे करके, तो बीच में कोई ऐसे मिडल लाइन अगर इसको काट रही हो तो ऐसे मिडल पे ही हमने अपना अंगूठा रखा हुआ है ऐसे, ये नहीं है कि ऐसे रखा है या ऐसे रखा हुआ है या बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल इधर रखा है और ऐसे मिडल पे रखा है, जैसे मिडल की कोई उंगली पे, ठीक है, इधर ऐसे, इधर ही पूरा ऐसे, और आगे अगर हम ऐसे मूव करते जाएं, ठीक
ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ आ गई हो कैसे ये होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, उंगली हमारी ऐसे टिल्टेड होनी चाहिए। हमने फिर देखा कि अंगूठे वाली शेप कैसे, क्योंकि अगर ओपन लगा रहे हैं तो हमारी जो एल्बो है वो भी थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, बॉडी से दूर है। डी लगा रहे हैं तो ये पाम हमारा टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, ओपन कॉर्ड्स में ऐसे। लेकिन जैसे ही बार लगाते हैं तो ये नीचे चले जाता है, ठीक है, ऐसे नीचे आ जाता है और एल्बो थोड़ी सी हमारी बॉडी के क्लोज आ जाती है, ठीक है। इसको क्लोज कर लेना आपने और गैप रखना आपने, ये जैसे ये गैप, ये वाला गैप, ये गैप, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। आप कोई भी बार कॉर्ड लगाएंगे, जैसे ये माइनर वाली में लगा रहा हूँ या ऐसे मेजर लगाएंगे, तो ये गैप आप देख रहे हो, ये गैप आपको रखना है यहाँ पे ऐसे इस टाइप से। और पीछे जो अंगूठा था वो तो आपने देख ही लिया कैसे लग रहा है इस टाइप से। तो ये चीज़ें थी बार कॉर्ड्स वाली। एक और बड़ी हेल्पफुल ट्रिक, ठीक है, अभी लेसन ख़त्म नहीं हुआ, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है और बिल्कुल ही अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको मन नहीं है यार, ये भी आपको टफ लग रहा है यहाँ से भी, तो आप क्या कर सकते हैं, तीसरे या चौथे फ्रेट पे कहीं पे भी जो आपकी चॉइस है केपो लगा दें। उससे क्या होगा, एक्शन और कम हो जाएगा। अब केपो लगा देंगे और कम हो जाएगा, अब आप बार कॉर्ड पकड़ेंगे ना, अब तो आपको ऐसे लगेगा पीस ऑफ केक, मतलब यार मजा आ रहा है। मजा भी आएगा, ठीक है। तो ये बी माइनर वाली शेप ही है, लेकिन जैसे हम उधर बाहर करके ऐसे वो लगाते हैं, ये भी बाहर है लेकिन ये यहाँ पे ऐसे सेकंड फ्रेट पे लगती है। अभी हम सेकंड इसी को कंसीडर कर रहे हैं, एक दो, ठीक है, इस टाइप से। तो आप इसको भी देख सकते हैं ऐसे लगाए, केपो रख के, मतलब मेरा मतलब है जो मर्जी लगाए। तो आप ऐसे भी बाहर सीख सकते हैं, एफ जो नहीं लगती तो आप केपो लगा के भी सीख सकते हैं, आपको मजा आएगा। बाकी इसका ट्रिक ये है कि कुछ चीजें केपो के साथ ही हो सकती है, जैसे पंपिंग इफेक्ट हम दे रहे हैं, जैसे अब हमने इसको रिंग नहीं कराना है तो हम हटा दें, रखा हटा दें, ऐसे उठाएंगे, जैसे रखेंगे फिर ऐसे उठा देंगे, रखेंगे फिंगर जैसे टच करा देंगे, जैसे अभी टच है, जैसे रिंग नहीं कराना मेरी मर्जी है। मैं पंपिंग इफेक्ट कर सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो ओपन कॉर्ड में पॉसिबल नहीं है, बार में होती हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। केपो वाला आपने देख लिया, थंब वाला आपने देख लिया, कैसे वो ऐसे लग रहा है पीछे, ऐसे ऐसे करके लग रहा है, एक सर्टन उस पर लग रहा है, देख वो अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है कि इस साइड रखना है और ऐसे नहीं कि बीच में रखना है, एक सर्टन एक ऐसे एंगल पे आपने उसको रखना है। फिर पोल के पीछे से ही पकड़ना है, ठीक है, सारा कुछ, इंडेक्स टिल्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट नहीं पुट करनी। तो बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था इफेक्ट क्या है, जैसे ये जैसे गाना था, मतलब वो म्यूटेड टाइप की मैंने लेसन किया हुआ, आप देखना। बड़ी सारी चीज़ें और भी जो बार कॉर्ड्स में ही हो सकती हैं, तो ये उसकी ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई दिक्कत आ रही है, ओपन टू बार में कैसे शिफ्ट करें, ओपन से बार, या कुछ हो रहा है जो आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, जैसे वो भी हम सारा कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोस भी देखें, नए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।